क्या बोले सर, हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आई थी पेटीएम पे बैंक बीसी एजेंट बनने के लिए। हेलो दोस्तों, पेटीएम बीसी पॉइंट जो बीसी एजेंट के लिए मैंने अप्लाई भी किया था और आप लोगों के लिए जो कि एक वीडियो बनाकर भी दिखाया था। और भाई मुझे ना पेटीएम बीसी जो पेटीएम पेमेंट बैंक बीसी की तरफ से मुझे कॉल भी आ गया है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा जो कि किस नंबर से मुझे कॉल आया था और क्या क्या बातचीत हुई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सुनवाऊंगा सब कुछ। और आप भी लेना चाहते हो तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो वाला वीडियो देख के कैसे क्या अप्लाई करना है, वहां से जाके देख कर जो कि वहां से अप्लाई कर सकते हो। भाई देखो, जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया सब कुछ कंप्लीट वीडियो देखते हो तो दोस्तों आपको जो कि 100 में से 98% कॉल बैक आना गारंटी है मेरी तरफ से। क्योंकि भाई मैंने जो कि वो वाला वीडियो बनाया था वहां पर भी मैंने अप्लाई किया था और मुझे कॉल आ गया। वहां पर आपको जो कि थोड़ी बहुत वेट करने के लिए पड़ती है। मैंने जिस टाइम से अप्लाई किया था 2 महीने छोड़ के मुझे कॉल आया था। ऐसा नहीं कि मैंने आज अप्लाई कर दिया और परसों कॉल आ गया, ऐसा नहीं है। उनको टाइम मिलता है तब जाके आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बाद जाके कॉन्टैक्ट करने के बाद हमारा थोड़ी बहुत जो कि डिटेल पूछा जाता है, तब जाके वहाँ से हमारा आसपास का जो एजेंट है उनका, उस एजेंट के पास उन इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, वो जो कि आएगा और हमें जो कि वेरिफिकेशन करके जाएगा। जब भी मेरे पास जो वेरिफिकेशन एजेंट आएगा मैं आपको जो कि दिखाऊंगा कैसे क्या मेरा वेरिफिकेशन हुआ है। अभी मैं आपको दिखा जो कि सुनवाता हूँ क्या मेरे से जो बीसी पॉइंट के साथ जो क्या बात हुई है, वो थोड़ा आप सुन लो। क्या क्या बोले सर, हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आई थी पेटीएम पे बैंक का बीसी एजेंट बनने के लिए। हाँ तो सर, आप इंटरेस्टेड हो बीसी एजेंट बनने के लिए? हाँ इंटरेस्टेड हूँ। क्या क्या लगेगी बनने के लिए? हेलो, हाँ सर, आप इंटरेस्टेड हो ना? हाँ यस। ओके, और सर आपकी फिक्स शॉप है? हाँ फिक्स शॉप है। ओके सर, ईपीएस मनी ट्रांसफर बैंकिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस है सर? हाँ सब कुछ है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके ओके, तो सर जैसे कि हम आपका एड्रेस देख पा रहे हैं, आपका एड्रेस है सर 80 मोहन गुड़ा, पीओ बिमला डिस्ट्रिक्ट सर। हाँ, नियर लैंडमार्क क्या है सर आपका? नियर बाय ये सीएससी सेंटर के पास। कौन सा सेंटर सर? CSC सेंटर। CSC। अच्छा CSC। ओके ओके सर। और सर आपका मतलब कोई रोड आता है सर, जैसे कि मेन रोड, हाईवे रोड? नहीं, NH37 ऐसा कोई रोड नहीं आता है? नहीं। और आपका डिस्ट्रिक्ट? कलांडी। और सर आपका पोस्ट? बिमोला। ओके, आपके एरिया का पिन कोड? 766018। 766018। 01 8 8। ओके सर, और आपका आपका स्टेट सर उड़ीसा ना? हाँ उड़ीसा। ओके सर, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। हम आपकी सारी जानकारी आपके एरिया के PPBL एग्जीक्यूटिव से शेयर कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव आपकी शॉप पे विजिट करेगी, आपको सारी जानकारी सारी प्रक्रिया समझा के आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट बनाएंगे सर। ओके सर। ओके ओके, धन्यवाद। तो भाई आपने सुन लिया, मैं कहीं भी फेक चीज आपको यहाँ पर नहीं बताता हूँ। जो भी बताता हूँ मैंने जो चीज फेस करता हूँ वो चीज ही आपको बताता हूँ जेन्युइन तरीके से। तो भाई बहुत लोग ऐसे कहते थे कि ये फेक है, ये नहीं होता है, कॉल बैक नहीं आता है, इतना टाइम हो जाता है। भाई आप पहले तो सही तरह से अप्लाई करो, और दूसरी बात तो आपको कुछ टाइम वेट करने के लिए पड़ता है। मैंने उस टाइम तो वेट किया, मुझे कॉल आया। और भाई कुछ कुछ टाइम में कुछ लोगों के पास कॉल भी आता है, वो लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं। इसलिए भाई आपको
कॉल रिसीव करने के लिए पड़ता है, उस टाइप का नंबर में कॉल आता है, जिस नंबर मैंने आपको शो किया था उसी नंबर से ही कॉल आएगा। आपने अभी अप्लाई किया और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, वहाँ से जाके देख के स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो। और क्या दोस्तों, आप वीडियो देख के चले जाते हो, वीडियो तो देख लेते हो दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते हो यार, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल में जो कि पहली बार है तो दोस्तों वो लाल कलर का बटन को दबा को अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड, कुछ सियासी रिलेटेड, कुछ बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।